आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन के बहुत नजदीक से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको आखिर तक सुनिएगा। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पर लोगों के साथ साथ बंदर भी काफी संख्या में रहते थे। एक बार की बात है, एक सेठ वहां से गुजर रहा था। रास्ते में खाना खाने के लिए रुका तो उसने देखा गांव में बंदर बहुत है। तो गांव वालों के पास गया और उसने उनको बोला कि एक काम कीजिए, या आपके यहां बंदर है या आप मुझे पकड़ के दे दीजिए, मैं आपको 5 रुपए एक बंदर के दूंगा। लोगों ने सोचा, यार बंदरों से तो हम वैसे भी परेशान हैं, क्यों ना इनको पकड़ के सेठ को दे दें और 5 रुपए भी मिल जाएंगे। लोगों ने मेहनत की, बंदर पकड़े और सेठ को पकड़ा दिए। सेठ ने बंदर गिने, उसी हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से एक बंदर के उसने लोगों को पैसे दे दिए और सेठ अपने बंदर लेके चला गया। कुछ समय बाद दोबारा सेठ गांव में आया और इस बार वो गांव वालों के पास गया और उसने बोला, भाई लोगों मुझे और बंदर चाहिए। गांव वालों ने कहा, ठीक है जी, पकड़ के दे देते हैं, कुछ नए आए हैं। गांव वाले लग गए, उन्होंने बंदर पकड़े और सेठ ने इस बार उन्हें एक बंदर के 10 रुपए दिए। गांव वालों ने कहा, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, एक तो बंदरों से जान छूट गई, ऊपर से पैसे भी मिल रहे। सारा गांव खुश था। सेठ चला गया बंदर लेके अपने। कुछ समय बाद सेठ फिर तीसरी बार आया। उसने गांव में आके बोला गांव वालों को कि भाई मुझे बंदर चाहिए। गांव वालों ने कहा, सेठ साहब अब तो बंदर बहुत कम है। सेठ ने बोला, मुझे पता है बंदर कम हो गए होंगे, आप एक काम करो, मैं इस बार आपको एक बंदर के 20 रुपए दूंगा, मैं जानता हूं मेहनत का काम है, आप करो। गांव वालों को लगा, यार 20 रुपए तो चलो ठीक है, ले लेते हैं बंदर। गांव वाले निकल पड़े, कुछ बंदर ढूंढे और ढूंढ डांट के लाके सेठ को पकड़ा दिए। सेठ ने 20 रुपए के हिसाब से उनका हिसाब किया, बंदर लिए, अपना चल पड़े। कुछ समय बाद फिर सेठ साहब आए। सेठ ने बोला, भाई लोगों मुझे और बंदर चाहिए। गांव वालों ने बोला, साहब बंदर कहां मिलेंगे यहां पे, इतने तो हमने आपको दे दिए, अब कहां से लाएं। सेठ ने कहा, देख लो यार, ढूंढ लो आसपास, देख लो जंगल वंगल में कहीं मिल जाए तो, मैं जानता हूं मेहनत का काम है, थोड़ा मुश्किल काम है, इस बार मैं आपको एक बंदर के 50 रुपए दूंगा। गांव वालों को लगा, यार पैसे मिल रहे हैं, चलो हाथ पैर मार लेते हैं। गांव वाले गए, शाम तक बंदर ढूंढ के लाए, 5-7 बंदर, सेठ को पकड़ा दिया और 50 रुपए के हिसाब से पैसे लिए, और सेठ भी खुश और गांव वाले भी खुश। समय ऐसे ही निकलता रहा। कुछ समय बाद फिर सेठ जी गांव में आए। इस बार सेठ जी ने आके पहले ही बोल दिया, मैं जानता हूं गांव में बंदर बहुत कम है, लेकिन भाई लोगों ऐसा है कि अब मैं कहीं और जाके बंदर पकड़ूं, आप लोगों से तो संबंध बन गया है पुराना, आपको भी पता है मेरा लेन देन कैसा है, तो इसलिए मैं यहां आया हूं, आप एक काम करो, मुझे बंदर ढूंढ के दो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा एक बंदर के, और मैं जानता हूं ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैं आपके पास 1 हफ्ते बाद आऊंगा और आपको जितने बंदर आप दोगे मैं 100 रुपए के हिसाब से पैसे दूंगा। गांव वाला ने कहा, ठीक है सेठ जी। अब सेठ के जाने के बाद गांव में सभा हुई, कहा भाई बंदर कहां से लाए, यहां तो सब खत्म हो गए। तो किसी ने आइडिया दिया कि भाई देखो आसपास ढूंढते हैं। तो थोड़ी बहुत जब तहकीकात की गई तो पता चला कि गांव से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर काफी बंदर है। कुछ लोगों को उसमें मनोनीत किया गया, वो गए वहां पर और बंदरों का सौदा करने के लिए, और वहां जब गए तो वहां उन्होंने बंदर के भाव पूछे, तो वहां जो मैनेजर था उसने बोला, भाई साहब एक बंदर में आपको 50 रुपए का दूंगा। उन्होंने कहा, 50 रुपए तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो भैया, 50 रुपए के तो बंदर नहीं है। बहुत देर भाव तोल करने के बाद फाइनली रेट फिक्स हुआ कि वो बंदर जो है वो 40 रुपए के देगा और उनके साथ जो बच्चे हैं वो फ्री में दिए जाएंगे। लोगों ने बंदर लिए, 40 रुपए के हिसाब से पैसे दिए और अपना गांव में आकर बैठ गए। पूरे गांव में खुशी की लहर थी, सेठ जी का इंतजार हो रहा था, बस सेठ आए, बंदर उठाएं और पैसे दें। गांव वाले सेठ साहब का इंतजार करते रहे। 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए, 25 दिन बीत गए, सेठ जी नहीं आए। तो गांव वालों ने सोचा, भैया आप क्या करें, अब इन बंदरों को संभाला जाए। तो कुछ गांव वाले दोबारा उस गांव में गए जहां से वो बंदर लाए थे, तो पता चला कि वो जो दुकान थी बंदरों की वो बंद हो गई। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि गांव वालों के साथ क्या हुआ। ऐसा आजकल भी बहुत होता है। आपके पास अलग अलग तरीकों से, या मैं ये कहूंगा कि हर दूसरे दिन एक नए तरीके से आपको कोई लालच देने का कोशिश करता है,
प्रयास करता है, कभी वो मैसेज के थ्रू, कभी वो ईमेल के थ्रू, कभी किसी फोन के थ्रू। अगर आपके पास भी इस तरह के ऑफर या मैसेजेस आते हैं तो आप भी उनको करने से पहले इस कहानी को एक बार जरूर याद कर लें। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर नई कहानी नए किस्से के साथ आपके पास आऊंगा। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं विदा लेता हूं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।